नमस्कार, बहुत स्वागत आपके साथ, मैं हूं ललित प्रजापति। 13 मई को मध्य प्रदेश में आखिरी चरण का मतदान होगा, जनता अपने नेता का चुनाव करेगी। आज चुनावी रैलियों और प्रचार का शोर थम जाएगा। हम भी वोटिंग ट्रेंड को लेकर 2024 का मिजाज आपके लिए समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज बहुत दिलचस्प सीट है, आज धार और खरगोन लोकसभा सीट का सियासी मिजाज भांपने की कोशिश करेंगे, इतिहास बताकर आपकी जानकारी को दुरुस्त करेंगे। आखिर बीते चुनाव की वोटिंग ट्रेंड, जीत का मार्जिन 2024 में किस तरफ का रुख बता रहा है। मध्य प्रदेश के मिनी बॉम्बे यानी इंदौर से सटी है धार लोकसभा सीट। इसके गठन के बाद से कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों का वर्चस्व यहां बना रहा। इन दो पार्टियों के अलावा किसी तीसरी पार्टी का वोट बैंक यहां नहीं है। इस लोकसभा सीट के गठन के बाद से यहां किसी एक पार्टी का एक छत्र राज भी नहीं रहा, मतलब गढ़ नहीं है। समय समय पर जनता ने अपने पसंदीदा कैंडिडेट को चुना है, यानी धार के मूड को भांपना बहुत आसान नहीं। अब धार लोकसभा में क्या कुछ पिछला रिकॉर्ड रहा है वो हम आपको बताएंगे, और किस तरीके का यहाँ पर ट्रेंड रहा है वो आपको जान लेना चाहिए। बीते चुनाव की हम बात करेंगे, हिस्ट्री की हम बात करेंगे। मांडू के लिए भी आप धार को जानते हैं, और किस तरीके का मांडू है उसको बताने की जरूरत नहीं है। अब इतिहास की बात कर लेंगे। 2009 में 54% से ज्यादा वोटिंग यहां पर हुई, 2014 में 64% से ज्यादा वोटिंग, और 2019 में 75% से ज्यादा वोटिंग धार में हुई है। यानी इतने वोटर्स निकले हैं, 54%, 64%, 75% तक यहां पर वोटिंग गई है। यह हो गया धार लोकसभा का वोटिंग का ट्रेंड। अब जरा देख लीजिए कि 2009 में 2621, बहुत छोटी लीड होती है लोकसभा के लिहाज से, 2009 में 2621 की लीड कांग्रेस के खाते में, 2014 में 100,000 से ज्यादा की लीड यहां पर पहुंच जाती है, और 2019 में ये लीड बढ़कर तकरीबन 150,000 पहुंच जाती है। जीत का मार्जिन, वोटिंग परसेंटेज आपने देख लिया, जीत का मार्जिन आप देख लीजिए। अब एक स्क्रीन पर दोनों चीजों को दिखाकर आपको यह भी हम समझाएंगे कि दरअसल किसके खाते में क्या जाता है, यह भी आपको हम बताते हैं, ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देखिए, वोट परसेंटेज और जीत का मार्जिन, 2009 में 54%, जीत का मार्जिन 2014 में 64% से ज्यादा वोटिंग, जीत का मार्जिन 100,000, 2019 में 75% से ज्यादा वोटिंग, जीत का मार्जिन तकरीबन 150,000। दो बार से यहां पर बीजेपी का कब्जा है, कोशिश बीजेपी की है कि अब इस सीट पर हैट्रिक मारी जाए। इस बार मुकाबला कैसा है उसे भी आपको जान लेना चाहिए, वोटिंग परसेंटेज क्या रहा वो भी हमने आपको बताया, किसके खाते में कितनी सीट गई वो भी। अब पार्टी वाइज इसे समझने की कोशिश करते हैं। 2014 में 51% वोट बीजेपी को मिला, 42% वोट कांग्रेस के खाते में गया, अंतर था 9% से ज्यादा। लेकिन 2019 में 53% बीजेपी के खाते में, 53% से ज्यादा कांग्रेस के खाते में, 42% से ज्यादा अंतर यहां पर बढ़कर हो जाता है तकरीबन 11%। मुकाबला किस किस के बीच है वो भी आपको जान लेना चाहिए। यहां का जो मुस्लिम वोटर है वो भी एक बड़ा फैक्टर रहेगा। खैर, सावित्री ठाकुर, राधेश्याम मोबाइल, इनको मौका क्यों दिया गया? दरअसल ये प्रभाव क्षेत्र, ये करीबी माने जाते हैं उमंग सिंघार के, आदिवासी वोटर, भील भिलाला वोटर यहां पर है, उनके बीच इनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। सावित्री ठाकुर कौन है? सावित्री ठाकुर एक बार सांसद बन चुकी है, कोई राजनीतिक विरासत इनके पास नहीं है, बहुत सामान्य से परिवार से आती है, और राजनीति से पहले ये समाज सेवा किया करती थी। यही वजह है कि इनका 1-to-1 कम्युनिकेशन है। लोकसभा चुनाव में मुद्दे क्या क्या है? उच्च शिक्षा है, पर्यटन है, बेरोजगारी है। पर्यटन इस लिहाज से, पर्यटन फेवरेट सब्जेक्ट है प्रधानमंत्री मोदी का, एक बात। दूसरा, पर्यटन की अपार संभावनाएं धार में है, क्योंकि यहां पर आता है मांडू जो प्रेम के लिए, अपने महल के लिए बेहद फेमस है। उच्च शिक्षा, पर्यटन, बेरोजगारी, बेरोजगारी कॉमन फैक्टर जो हर जगह निकल कर आया है, वही धार लोकसभा के भी चुनाव के मुद्दे हैं। उच्च शिक्षा एक वजह यह भी कि ज्यादातर किसी बड़े शहर से सटी हुई जो सीट होती है कहीं ना कहीं प्रभाव क्षेत्र में थोड़ी कम हो जाती है। यही वजह है, वही वजह है कि धार जो है वो इंदौर से सटा होने की वजह से उच्च शिक्षा में और ज्यादा काम करने की जरूरत थी। बहरहाल, बेहद खास मेहमान जो सिर्फ हम आपके लिए रोज लेकर आते हैं वो हमारे साथ जुड़ गए। छोटू शास्त्री साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीति को बहुत बारीक से वो उसकी सर्जरी करते हैं। सरमन नगेले सर को आप जानते हैं, हमारे साथ हमेशा, आपने अक्सर देखा होगा, बारीक तरीके से वो भी चीजों को खींचते हैं।
सबसे पहले छोटू शास्त्री साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हमने धार की तमाम परिस्थितियां बताई, वोटिंग परसेंटेज बताए, आमने सामने कौन है, इन सबके साथ आपका प्रेडिक्शन धार को लेकर। जी प्लीज। बिल्कुल ललित जी, धार लोकसभा जो सीट है ये पश्चिम मध्य प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण सीट है। यह विभिन्न संस्कृतियों की झलक इस लोकसभा सीट में दिखाई देती है, क्योंकि इंदौर के पास होने से यहाँ पर जो है शहरी वातावरण है। पीथमपुर इसी लोकसभा क्षेत्र में आता है, औद्योगिक छवि इस लोकसभा में दिखाई देती है, आदिवासी बहुल्य है, तो यह मिला जुला लोकसभा क्षेत्र है। और यहाँ पर अब चुनाव परवान चढ़कर मतदाता के पास अब सारी पार्टियां नतमस्तक हो चुकी है। 13 तारीख को वोट करने के लिए धार की लोकसभा की आम जनता तैयार है। जी मैं आऊंगा आपके पास, सरवन नंगेली भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सरवन सर, बड़ी दिलचस्प ये सीट है, इसमें उद्योग भी है, इसमें आदिवासी भी है, इसमें मुस्लिम वोटर भी है, यहीं पर भोजशाला भी है, साक्षात माँ सरस्वती, और उतने ही विवाद भी हैं। इन सब के बीच आपका प्रेडिक्शन धार को लेकर। जी देखिए माननीय ललित जी, पर्यटन का तो आपने जिक्र किया था, पर्यटन भी है और सबसे महत्वपूर्ण विषय जो आपने अपने पैकेज में बता दिया है वो भोजशाला है। भोजशाला के कारण जो है ना केवल धार बल्कि पूरा मध्य प्रदेश या पूरा देश का जो मतदाता है, देश का जो जनमानस है, जो धर्म भीरु लोग हैं, वो प्रभावित होते हैं और उसके अनुकूल मतदान भी करते हैं और लोगों से जुड़ते भी, आस्था भी रहती है। तो जो भोजशाला का विषय है उसका इस लोकसभा क्षेत्र में, इस मतदान में असर पड़ेगा, क्योंकि वो एक वहां के लोगों के बीच में उसकी एक अपनी एक अलग पहचान और एक अलग उसका अपना महत्व है। साथ में चूंकि एक औद्योगिक क्षेत्र में पीथमपुर बहुत महत्व रखता है और बहुत सारे लोगों को वहां रोजगार मिला है, और मध्य प्रदेश के एमएसएमई डिपार्टमेंट ने, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने, आईटी डिपार्टमेंट ने बहुत वहां पर डेवलप किया है, तो रोजगार मिला है लोगों को वहां, नए मोटर व्हीकल बहुत सारे वहां पर सेक्टर बन गए, अलग अलग सेक्टर बन गए। हाँ। तो मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने, वर्तमान मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से वहां बहुत सारा कामकाज बढ़ गया है और आर्थिक गतिविधि बहुत अच्छी चल रही है। हाँ। इसका भी असर पड़ेगा। लेकिन जो कांग्रेस का जो परंपरागत जो वोट है वो आदिवासी वर्ग है। हाँ। और जमुना देवी जी रहे हो या गजेंद्र सिंह कालू राजू खड़ी रहे हो या उमंग सिंगार, ये सारे लोग आदिवासियों पर अपना कब्जा जमाए रहते थे, लेकिन ये कब्जा जो है ना धीरे धीरे खत्म होता गया है। हाँ। अब सिर्फ उमंग सिंगार अकेले बचे हैं, बाकी बहुत सारे जो विधायक और सांसद थे वो अलग हो गए। अब तो राजू खेड़ी जी बीजेपी में आ गए, गजेंद्र सिंह जी जो हाँ। कांग्रेस के थे, तो उसका भी असर पड़ेगा। तो ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में राजू खेड़ी जी आ गए हैं, साथ में शासन की योजना है, मोदी जी का जो ब्रांड है वो चल रहा है, उनकी क्रेडिबिलिटी है, गारंटी है, इसका असर कहीं ना कहीं देखने में आएगा। जी जी छोटू शास्त्री जी, आपसे ये भी, अगर विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो एक एज पर कांग्रेस नजर आती है, पर दूसरा फैक्टर यह है कि धार में स्थितियां मोदी बनाम भोजशाला कर दी गई, और ट्रेडिशनल वोटर जो है कांग्रेस का, जैसा कि अभी सरमन सर जिक्र कर रहे थे, ट्रेडिशनल वोटर के साथ दिक्कत यह है कि उसके दिमाग में एक छवि तो है और वो छवि प्रधानमंत्री मोदी की है, तो क्या धार में हैट्रिक की कोई गुंजाइश आपको नजर आती है सर? देखिए यह धार जिला जो है, वैसे तो पिछले जो 2023 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें जरूर कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन लोकसभा चुनाव में मुझे लगता है कि कुछ इस लोकसभा क्षेत्र की 8 में से 3 विधानसभा सीट धार, बदनावर और महू, यहां पर भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त लीड लेगी। लेकिन जो अन्य विधानसभा सीटें हैं, गंदवानी, कुक्षी, धर्मपुरी, मनावर, सरदारपुर, यहां पर कांग्रेस का प्रभाव दिखाई देगा। लेकिन फिर भी ये बात ललित जी मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर इस लोकसभा क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। राम मंदिर का मुद्दा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और अगर ये भी माना जाए कांग्रेस से अभी तक कोई भी नहीं बड़ा नेता इस लोकसभा क्षेत्र प्रचार के लिए आया है, जबकि भाजपा की ओर से मोदी जी आ चुके हैं। हाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं,
और आज जो है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी डी शर्मा जी जो है इस जिले में अभी है। तो देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी सीट को बहुत गंभीरता से ले रही है जी। वहीं कांग्रेस भी जो है, कांग्रेस अपने नेताओं के बलबूते पर इस सीट को जीतना चाहती है, लेकिन मेरा मानना है कि मुकाबला थोड़ा इस बार कड़ा होगा, क्योंकि राधेश्याम मोवेल भी जो है योग्य और शिक्षित उम्मीदवार है जी। और इस बार जो है कांग्रेस जिले में एकजुट होकर लड़ रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मोदी की छवि इस चुनाव में दिखाई देती है। अपर एज में बीजेपी है, लेकिन टक्कर ज्यादा होगी, बहुत आसान नहीं रहेगा। आप दोनों लगातार बने रहिएगा। अब हम बात खरगोन की करेंगे और खरगोन के बाद फिर इस डिस्कशन को हम जारी रखेंगे। खरगोन सीट की बात करें, यहां कभी बीजेपी कभी कांग्रेस का कब्जा रहा, हालांकि बीते जो दो चुनाव हैं वहां बीजेपी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। ऐसे में इस बार मतदाता के मन में क्या हो सकता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। ये मतदाता के लिए हम समझ रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं आप ही भगवान हो, और इसी वजह से इतिहास को समझना बहुत जरूरी है। किस तरीके का यहां का इतिहास रहा है, अब जरा उसकी बात कर ली जाए। सबसे पहले वोटिंग परसेंटेज, 2009 में 60% से ज्यादा वोट पड़े खरगोन लोकसभा, 2014 में 67% से ज्यादा वोट, और 2019 में 77%, 80% से थोड़ा ही कम, 77% वोट यहां पर पड़ा है। यह खरगोन लोकसभा की स्थिति 2009, 2014 और 2019 में किस तरीके से जीत के मार्जिन रहे वो भी हम आपको बताते हैं कि जीत की क्या स्थितियां रही। 2009 34,000 की लीड के साथ कांग्रेस, 2014 ढाई लाख की लीड के साथ बीजेपी, और यह लीड थोड़ी कम होती है 2019 में 2 लाख के करीब यह लीड चली जाती है, लेकिन दोनों बार जो सीट है 2014-2019 में ये बीजेपी के खाते में रही है। ये स्थितियां हैं खरगोन लोकसभा की। अब जीत का मार्जिन और जीत के मार्जिन के साथ साथ वोट का परसेंटेज वो एक स्क्रीन पे देखिए। 2009 60% वोट 34,000, 2014 67% वोट 2.5 लाख के करीब जीत का मार्जिन, 2019 77% और जो जीत का मार्जिन है वो 2 लाख से ज्यादा चला जाता है। हालांकि जब भी वोटिंग बढ़ी है, वोटिंग परसेंटेज बढ़े हैं, उसका बीजेपी को फायदा रहा है। ये एक स्क्रीन पर आपने देख लिया वोट परसेंटेज क्या है, जीत का मार्जिन क्या है। अब किस पार्टी को कितना वोट जाता है वो अब आप फटाफट समझ लीजिए। 2014 में 56% वोट बीजेपी के खाते में, 34% वोट कांग्रेस के खाते में, अंतर रहता 22%। लेकिन 2019 में 54% वोट बीजेपी के खाते में, 40% वोट कांग्रेस के खाते में, और अंतर रहता है 14%। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो ट्रेडिशनल वोटर है उसे शिफ्ट करवाना यहां से वहां वो एक बड़ी चुनौती राजनेताओं के लिए रहती है, और उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी अपर एज में अभी फिलहाल चल रही है। यह आपने देख लिया खरगोन लोकसभा की स्थितियां क्या है, आमने सामने कौन है वो भी हम आपको बताएंगे, किस तरीके का ये मुकाबला। लीजिए, बीजेपी की तरफ से गजेंद्र पटेल पर भरोसा, कांग्रेस की तरफ से पोरलाल खरते यहां पर मैदान में उतारे गए हैं, और जैसा कि अभी हमारे मेहमान कह भी रहे थे, कैंडिडेट को खुद से मेहनत करनी है, कैंपेनिंग पूरी कैंडिडेट। खरगोन लोकसभा में भी कमोबेश लगभग वही, बहुत बड़े स्टार प्रचारकों की मौजूदगी कांग्रेस की तरफ से नहीं रही, लेकिन बीजेपी ने पूरा जोर लगाया है। बीजेपी की जो पूरी पार्टी है वो अपने तरीके से यहां पर चुनाव लड़ रही है। यहां पर भी मामला यही है कि बीजेपी हैट्रिक बनाने के इरादे में है। मुद्दे किस तरह के रहे हैं खरगोन के वो भी हम आपको बता देते हैं। खरगोन के हिसाब से देख लिया जाए, हालांकि ये धार के मुद्दे हम आपको बता रहे हैं, उच्च शिक्षा, पर्यटन, बेरोजगारी। खरगोन बेरोजगारी एक जो मसला है वो हर जगह का कॉमन है, यही एक वजह है, और खरगोन के मुद्दों में भी यही बेरोजगारी की एक मसला रहा है, पलायन का एक मसला रहा है। एक बेल्ट जो खरगोन का है वो दूसरे राज्यों से जुड़ता है, वो भी एक बड़ा मसला रहा है। तो मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास हम आपको लिए चलेंगे और उनसे इस सीट को लेकर क्या उनका प्रेडिक्शन है वो जान लेते हैं। छोटू शास्त्री साहब, हमने हिस्ट्री बताई, वोट परसेंटेज बताए, इन सब के बीच खरगोन पर आपका प्रेडिक्शन। सर, खरगोन लोकसभा सीट पे जिस प्रकार, जी हम सुन रहे हैं आपको, प्लीज। खरगोन लोकसभा सीट पर मतदान अगर बढ़ता है तो उसका फायदा निश्चित तौर पर भाजपा को मिलेगा, मेरा यह पर्सनल मानना है। लेकिन इस बार खरगोन लोकसभा सीट परसेंटेज कम है ज्यादातर जगहों पे। जी प्लीज कंटिन्यू। चलिए, तकनीकी कुछ दिक्कत है, थोड़ा हम और सुधार करते हैं इसमें। सरमन नंगेले साहब हमारे साथ लगातार बने हुए। सरमन सर, खरगोन की स्थितियां,
एक लंबा चौड़ा इतिहास, सामाजिक एकता का भी इतिहास, सामाजिक कटुता का भी इतिहास यहां पर है। इन सब के बीच आपका प्रेडिक्शन? जी आपने ठीक कहा, सामाजिक कटुता बीच में देखने में आई थी। खरगोन में दो वर्गों के बीच में बहुत लंबा तनाव हुआ था, यानी कि वहां पर कर्फ्यू भी लगाया गया था, तो उसका भी इस लोकसभा के चुनाव में असर देखने में पड़ेगा, क्योंकि एक वर्ग के बीच में आपस में जो है ना दो वर्गों के बीच में तनाव हो गया था, और उसको लेकर सरकार ने ACS राजेश राजौरा जी को भेजा था, उन्होंने पूरी जांच रिपोर्ट भी सौंपी थी। तो देखिए खरगोन में वैसे देखा जाए तो वहां का जो एरिया है वो अरुण यादव या सुभाष यादव जी का एरिया रहा है, जो मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, और सुभाष यादव मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनका उनका रहना भी वही है, उनका कार्य क्षेत्र भी वही है कसराबद में। तो हो सकता है कि यदि वो मेहनत करें तो थोड़ा सा वहां कांग्रेस के लिए गुंजाइश बन सकती है, लेकिन मार्जिन बहुत है। एक दूसरी चीज क्या है कि अब जब से वो रिजर्व हो गया अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा क्षेत्र, तो थोड़ा सा और कांग्रेस को संकट हो गया है। हाँ। और कांग्रेस बीजेपी के जो लीडर हैं वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, और उनके नेता भी कर रहे हैं, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव भी कर रहे हैं, तो लाभ जो है ना सिर्फ कांग्रेस को नहीं होना है, लाभ सिर्फ बीजेपी को ही होना है, और कांग्रेस को खोने के लिए कुछ नहीं है, बीजेपी को सिर्फ रिटेन करना है, और अपना जो लीड है, जो मार्जिन है, उसको कैसे बढ़ाना है, इसका प्रयास माननीय मोदी जी, माननीय मोहन यादव, बीडी शर्मा जी, तमाम सारे लोग कर रहे हैं। जी 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 शास्त्री सर, बहुत शॉर्ट में खरगोन को लेकर आपका प्रेडिक्शन, बहुत शॉर्ट में प्लीज। जी हाँ जी, खरगोन के मामले में मेरा ये अनुमान है कि वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जबरदस्त काम किया है, और मुझे लगता है कि वहां भी मोदी फैक्टर और दूसरी चीजें काम करेगी, जो मौजूदा सरकार है केंद्र सरकार उसका आकर्षण बरकरार है। अब कांग्रेस जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ा भी देगी, लेकिन मार्जिन बहुत है, ऐसी परिस्थिति मुझे मानना है कि भाजपा को जो है जरूर लाभ वहां पर हो सकता है। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने तमाम चीजों को डिकोड किया, और मैं बार बार अपने दर्शकों से कह रहा हूं इन तमाम बातों को याद रख लो, आप ही भगवान हो, 4 तारीख को जब चर्चा करेंगे इनकी एक एक बात आपको याद आने वाली है, साफ इशारों में सारी चीजें बता भी दी गई और आपको समझ में भी आ जानी चाहिए। अब इंदौर लिए चलते हैं जहां पहुंचे हुए डॉक्टर मोहन यादव। डॉक्टर मोहन यादव, बहुत दिलचस्प परिस्थितियां इंदौर में हो गई, बहुत ही दिलचस्प, यहां पर एक बम फूटा और उस बम के फूटने के बाद, जिसे अपनी भाषा में कहते हैं रायता फैल गया, उसके बाद की जो स्थितियां यहां पर हुई है बहुत दिलचस्प हो चली है। खुद प्रधानमंत्री मोदी की नजर लगातार यहां पर बनी हुई है, क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने यहां पर नोटा वाली बात कर दी, इसके चलते अब सभी की निगाहें इंदौर सीट पर है। उसी इंदौर में पहुंचे हुए डॉक्टर मोहन यादव, कांग्रेस की तरफ से कोई चेहरा यहां पर नहीं है, यह भी पहली बार हो रहा है इंदौर जैसी महत्वपूर्ण सीट पर। इंदौर मालवा का वो महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र जिसे गढ़ में तब्दील कर दिया सुमित्रा ताई ने, और अब उसी इंदौर से शंकर लालवानी दूसरी बार, यहां पर भी सवाल जीत का नहीं रह गया, यहां सवाल रह गया लीड का। इंदौर के पूरे घटनाक्रम को सूरत से जोड़कर देखा गया और अचानक ही यह शहर पूरे देश की सुर्खियां बन गया। अब बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो यहां पर लगे हुए हैं, इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचे हुए हैं, लगातार रोड शो का सिलसिला उनका चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कैलाश विजयवर्गीय आपको नजर आ रहे होंगे, शंकर लालवानी भाजपा का चिन्ह अपने हाथों में रखे हुए, और तमाम जो दिग्गज हैं वो इस रथ पर सवार हैं। फूल उस तरफ से आ भी रहे हैं, इस तरफ से जा भी रहे हैं, बस इन्हीं फूलों को वोट में तब्दील करने की कोशिश बीजेपी की, और उसी के लिए तमाम दिग्गज नेता इस वक्त रोड शो कर रहे हैं।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी रहेंगी।